غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अर्तुरुल साहब के बारे में नहीं जानता मैं, इसलिए उनसे मिलना भी जरूरी है मेरा। अगर वो यहां आ जाएंगे तो फैसला करने में आसानी हो जाएगी हमें। कुंदूस की बहन या भाई आने वाला है, उम्मीद से हूं मैं। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से साहिब औलाद होंगे। तो तमिश साहब ने बिना किसी वजह के सरदार जानदार और उनके घर वालों पर जानलेवा हमला क्यों किया? आलियार साहब ने सच्चाई जानने के लिए मुझे ये काम सौंपा है। सोना मिल गया, मैं जानता था मैं जरूर कामयाब होऊंगा। ये जहर इतना खतरनाक है कि न सिर्फ खाने वाले को वैशी बना देता है बल्कि उसके अतराफ के लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। आलियार साहब, बहुत अच्छी पेशकश की है जावदार कबीले ने। इस शराकतदारी से खुशहाली आ जाएगी हमारे कबीले में। बहुत इंतजार किया है इस वक्त का हमने, लेकिन तुम खुद को इतना बेचैन क्यों महसूस कर रही हो मेरी बच्ची? जानते हैं आप वालिदा, अर्तुरुल साहब उराल और सरदार जानदार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। बहुत मोहतात होकर जवाब देते हैं हर बात का वो। हाँ बेटी, और वो आलियार और असलिहान? वालिदा, वो असलिहान और आलियार भी तो सरदार जानदार की औलाद है ना। क्या होगा अगर आगे चलकर कशीदा हो गई सूरत हाल, और अगर मामलात हमारे हाथ से निकल गए तो हम क्या करेंगे वालिदा? क्या आलियार और असलिहान खातून अपने भाई और बाबा को छोड़कर हमारे साथ खड़े होंगे वालिदा? और वो उनकी बेटी असलिहान खातून, उसने क्या किया है? अपने कबीले को नुकसान पहुंचाकर आखिर क्यों उसने वैनेदिक ताजर की मौजूदगी के बारे में अर्तुरुल साहब को बताया वालिदा? उसने ऐसा क्यों किया, वो भी अपने भाई और सरदार जानदार के खिलाफ जाकर? और वो चौलपान जो उनके बड़े बेटे की जौजा है, मक्कारी नजर आती है उसकी आंखों में। लेकिन भूलना नहीं कि वो तुम्हारे मातहत काम करेगी कालीन गांव में। वो वही करेगी जो तुम कहोगी बेटी, हमें सिर्फ अपनी कमाई से गर्ज रखना है। रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ने चाहा तो शराकत दारी का ये फैसला फायदेमंद होगा हमारे लिए। हमें सिर्फ अपनी लगन से काम करना है अर्तुरुल कामयाब होता के। Thank you.
जब हमने मगरिब की जानिब सफर शुरू किया तो दुनिया के बदलाव का बखूबी अंदाजा हुआ। सोने की ही बादशाही है चाहे मशरिक हो या मगरिब दुर्गुत, इसकी कशिश ने हमारे खुदाओं को दिलों में दफन करके रख दिया है। इस दुनिया में जितनी जंगें लड़ी गई हैं सारी सोने की लालच में लड़ी गई हैं, और हमेशा हां में हां मिलाने वाला कामयाब रहा, और जिन्होंने मुखालिफत की वो फना हो गए जैसे सहरा में रेत के सर रहे। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं अब, मगर जुस्तुजु करने वालों के लिए नए रास्ते होते हैं, और अगर उन रास्तों को देखना है तो आंखें खुली रखनी है। अच्छा तो तुम यहां हो। हम दोनों ये बात कर रहे थे कि इंसान की जिंदगी पर कितना गहरा असर होता है सोने की कशिश का, खास तौर पर तुम जैसे बहादुर और अजीम जंगजू की जिंदगी। जाहिर है कि तुम्हारी शुजात और सिपा सालारी के किस्से हर खास व आम को मालूम होंगे। अर्तुरुल साहब के साथ मिलकर तुमने उस मंगोल का क्या हशर किया था सबको मालूम है। क्या नाम था उसका? नोयान। अगर आपको मालूम होता तो ऐसा कभी नहीं कहते कि अर्तुरुल भाई की गलतियों की वजह से कितनी जाने गवाई हमने नोयान को मारने के लिए। अर्तुरुल साहब की गलतियों की वजह से खुद को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है दुर्गुत। जालिम सलीबियों के किए गए जुल्म के निशानात एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जो इबरतनाक है बहुत। यह सब तुम्हें कैसे मालूम? सब जानती हूं मैं। उन जालिमों ने ईसाइत के नाम पर कितने ही लोगों को बर्बाद किया है, कौन वाकिफ नहीं उनके मजालिम से। सलीबियों ने हमारे पूरे खानदान को मार डाला, सिर्फ मारिया और मैं जिंदा रह गए। उन्होंने हमारे प्यारों को मौत की नींद सुला दिया क्योंकि हमने पोप की बात से इनकार कर दिया था। यीशु मसीह पर हमारा ईमान भी हमारे प्यारों को मौत से ना बचा सका। अफसोस हुआ सुनकर। उस्ताद सिमोन, आपके मेहमान आए हैं, मुझे इजाजत दीजिए। क्या हुआ? सुल्तान का जासूस फरार हो गया उस्ताद सिमोन। तुम किस तरह अर्तुरुल को फरार होने का मौका दे सकते हो? सुल्तान का जासूस अर्तुरुल नहीं है। क्या कहा तुमने? मैंने उसे पकड़कर उसका चेहरा देखा, वो अर्तुरुल नहीं था। फिर अचानक उसके साथी आए और हमारे सिपाहियों को मार दिया। अगर तिरिस्तान वहां ना होता तो मैं भी मारा जाता। यानी तुमने उसका चेहरा देख लिया है। अब बताओ मुझे कौन था वो आखिर? उस आदमी को हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो आपके बारे में सब कुछ जानता है सिमोन। कैसे? याया का जिक्र किया उसने और कहा कि वो आपके बाजार को तबाह कर देगा। सुल्तान का जासूस अगर अर्तुरुल नहीं भी है तो हमें उस्ताद पेट्रोशियो और उस्ताद टाइटुस की जान का बदला लेना है उससे। अर्तुरुल को हमें हर सूरत मारना होगा सिमोन। अर्तुरुल कल यहां मुझसे मिलने आएगा, मोहतात रहना होगा, एहतियाती इकदाम किए जाएं, सराय के अंदर और बाहर सारे हिफाजती इंतजाम पूरे होने चाहिए।
मेरे हुक्म के बगैर कोई हिल भी नहीं सकेगा। हम अभी हमला करके उसका काम तमाम क्यों नहीं करते थे? क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि जिस शख्स से तुम मिले हो वो सुल्तान का जासूसी था। और उसके बाद भाई हमने वो गुलामों का ताजर जो देखने में बिल्कुल मुर्गे की तरह लगता है उसे फरार होने दिया। दुआन अब कहाँ है? वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद भाई आपके अगले हुक्म का इंतजार कर रहा है। सुल्तान के जासूस आप नहीं हैं, अब उन्हें यकीन हो गया होगा भाई। वो अब तक आपको सुल्तान का जासूस समझते रहे और आज से दुआन भाई को जासूस समझेंगे। यकीन से नहीं कहा जा सकता दुंदार। तो यानी उस पादरी याहिया को जल्द ढूंढकर जान से मारना होगा हमें भाई। वो रिवायती ईसाइयत के लिबादे में खुद को कितना ही छुपा ले, मगर ये जाहिर है कि वो सलीबियों का ही आलायकार है, एक वैश्य दरिंदा है। वो आपको रास्ते से हटाना चाहता है भाई, इसलिए आपको सराय में बुलाया है उसने। हम फिर भी वहां जाएंगे दुंदार। ये चाल भी तो हो सकती है। आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जब तक हकीकत नहीं मालूम हो जाती उसे जिंदा रहना होगा दुंदार। अगर वो मुझ पर हमला आवर हुए तो मैं देर नहीं करूंगा उन्हें जहन्नुम वासिल करने में। कल हम सराय जरूर जाएंगे, देखते हैं किसकी मौत कहां पर लिखी हुई है। भाई हाजा तुरियान उस्ताद आपसे मिलना चाहते हैं। बुला लो अब्दुल रहमान। आओ हाजा तुरियान उस्ताद। आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है भाई। तो बताएं। खुदावंद की मदद से हमें सोने की कान का सुराग मिल गया है। उसमें कितना सोना होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत से पता चल जाएगा। बहुत आला, लेकिन ये बात अभी किसी और को नहीं बताइएगा। फिलहाल इसे राज रखें, और आप जिन जंगजुओं के साथ जाते हैं उन्हीं के साथ जाया करेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। कल तुम दोनों को हर कीमत पर सिमोन से जगह के लिए मामला तय करने हैं। उराल। हुक्म करें बाबा। हरगिज भी तुम आलियार को अंधेरे में रखकर मुश्किलात पैदा मत करना। जो कबीले के लिए बेहतर होगा मैं वही करूंगा बाबा। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आपके किए गए फैसले हमारे लिए बरकत का बाइस हैं। चौलपान, तुम भी हलीमा सुल्तान की बात मानने की पाबंद होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें बाबा। हमें इजाजत दीजिए बाबा। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो बेटी? हलीमा सुल्तान की मैंने बहुत तारीफ सुनी है कालीन की बुनाई के हवाले से। अपने बाबा के साथ उन्होंने बहुत से खत्ते देखे और बहुत तजुर्बेकार हैं। अल्लाह ने चाहा तो मैं भी उनके इल्म और तजुर्बे से फैजयाब हो सकूंगी बाबा। अच्छी बात है बेटा, जब हम जज्बात के बजाय अक्ल इस्तेमाल करके फायदा उठाते हैं तो हमें अच्छे नतीजे हासिल होते हैं। आलियार, तुम भी कुछ कहना चाहते हो क्या? आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है बाबा। कबीले की खवातीन कभी भी इतने सारे कालीन वक्त पर तैयार नहीं कर पाती। जहां तक सिमोन की बात है, अर्तुरुल साहब के साथ कल सुबह बैठकर तमाम मामला तय कर लेंगे बाबा। अल्लाह खुश रखे।
तीर कमान से निकल चुका है और उसने सीधा आपके दिल को निशाना बनाया है सरताज। कितनी बार बाबा ने मेरी पीठ में छुरा खोंपा है, कितनी ही बार मुझे धोखा दिया है जौलपन खातून, अच्छी तरह जानती हो तुम। हमारे कबीले के लिए खतरा बनने वाले उस अर्तुरुल को सबक सिखाना चाहा आपने। उन कालीनों को जलाकर आपने उसे अपना हरीफ बनने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर तिजारत का यही कानून है तो आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आपके बाबा इसकी अहमियत समझने से कासिर हैं। बाबा ने अर्तुरुल के खौफ की वजह से उसे, उसकी बीवी को और उसकी खुद पसंद वालिदा को हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया है। जिस काम से हमें हजारों सोने के सिक्के कमाने की उम्मीद थी उसमें शराकत दार बना दिया अर्तुरुल को, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं। मैं बाबा को, आलियार को और असलेहान को उनकी औकात याद दिलाकर रहूंगा। तो क्या होगा, फर्ज करें अगर आपने ऐसा कर भी लिया, फिर उसके बाद क्या होगा? ना जाने कितने मसाइल और चालों का सामना करना पड़ेगा आपको अपने बहन भाई और बाप की तरफ से। जाहिर है आपके बाबा उन्हें आपसे ज्यादा अजीज रखते हैं, वो आपको उनके मातहत बना देंगे और वो आपकी कोई भी बात सुनने के रवादार नहीं। मैं कह चुका हूं उनको उनकी औकात याद दिला दूंगा, बस तुम देखती जाओ। यकीन करें सरताज, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, लेकिन आलियार और असलेहान के जिंदा रहते हुए कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता। हमारा कबीला और ज्यादा ताकतवर और मजबूत होता और हम खूब फलते फूलते, लेकिन कमजोर सरदार के जेर साया हमारे कबीले की हैसियत एक बिखरे हुए भेड़ों के रेवर से ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारा शौहर औराल बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक कर देगा। कैसे? जल्द ही मेरे भाई और बहन को कबीले में जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने के लिए, देख लेना। बाबा बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे। आखिर ये सब कैसे होगा? जिस पर वो इतना एतमाद करते हैं उसी अर्तुरुल के जरिए। कल मैं ऐसी चाल चलूंगा जो उसे हर एक के सामने रुस्वा कर देगी, और सीमोन जान जाएगा कि अर्तुरुल कितना बेवकूफ है। खुश आमदीद साहब। शुक्रिया हलीमा सुल्तान। क्या तुम अब भी परेशान हो हलीमा सुल्तान? उराल साहब इस शराकत दारी को नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। सिमोन ताजिर है, वो सिर्फ और सिर्फ नफे का सोचेगा, अपने उराल की बातों में नहीं आएगा। सही कहा आपने। और असलेहान? क्या हुआ उसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसका दिल वाकई साफ है या फिर उसके दिल में। क्या मतलब इसका हलीमा? वैनदिक ताजिर के आने की इत्तला असलेहान ने क्यों दी आपको? उसका क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? क्या लगता है तुम्हें? क्या कह सकती हूं मैं, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि असलेहान खातून अपने भाई आलियार से ज्यादा आपको अहमियत देती हैं। क्यों? कोई तो वजह होगी। एक तरफ चोलपान और उराल, दूसरी तरफ आलियार और असलेहान। मुझे ऐसा लगता है कि हम सरदार जानदार की औलाद के बीच आ जाएंगे और इतना आसान नहीं होगा इससे निकलना। हर चीज उस वक्त तक ठीक रहेगी जब तक तुम उस पर ध्यान रखोगी।
इसीलिए चाहता था कि तुम और वालिदा बुनाई के काम को संभालें, वरना आसान नहीं होगी हमारी कामयाबी। अब तुम्हारी वजह से चावदार कबीला अच्छे कालीन बनाने में कामयाब होगा। हमें सिमोन की हिमायत चाहिए। भाई और तोक्तमिश के दरमियान कोई मसला हुआ था क्या? बताओ असलिहान, सिमोन के बाजार से मुतालिक था क्या? हाँ, वो मनहूस बाजार, वहीं से उन दोनों के दरमियान जब कलश शुरू हुई थी। बताओ मुझे क्या माजरा था? उराल भाई की गैर कानूनी आमदनी का मालूम हो गया था उन्हें। उराल भाई एक तरफ, चौलपान खातून एक तरफ, इन दोनों के होते हुए शराकत दारी मुश्किल है। चौलपान खातून पर नजर रखो तुम, और भाई पर मैं नजर रखता हूं। अगर जरा भी कुछ महसूस हो तुम्हें तो फौरन मुझे आकर बताओ असलिहान। बेफिक्र रहें भाई। वाह वाह वाह, शब बखैर भाई। मैं तुम्हें एक मशवरा देने आया हूं आलियार। अर्थुरुल पे अंधा एतमाद करके कबीले को किसी मुश्किल में मत डाल देना। अगर आज हम बाजार में आजादी और इज्जत के साथ तिजारत करते हैं तो इसकी वजह सिमोन है, वरना हम भी अर्तुरुल के कबीले की तरह आज फाके कर रहे होते। अर्तुरुल को यहां से जाना होगा, लेकिन सिमोन हमेशा इस बाजार का मालिक रहेगा। भाई, क्या सिमोन के साथ मिलकर मुनाफे में हेरा फेरी करने वाली बात दुरुस्त है? भाई, तुम्हें यह बात असलिहान ने बताई है? कल ये दोनों कबाइल मुत्तहिद होने जा रहे हैं भाई, और ये इत्तेहाद बहुत जरूरी है, इसलिए पीठ पीछे कोई साजिश मत रचाइएगा आप, याद रहे। जालिम मेरे गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे वक्त आने तक सब्र करना है, और यह मेरे लिए मुश्किल फैसला है। दुश्मन को अपने सामने पाकर भी अपनी तलवार को सही मौका आने तक नियाम में रखना बहुत महारत की बात है। दुश्मन ही तुम्हें एक अजीम जंगजू बनाता है और एक निडर सरदार। एक बार मेरी तलवार नियाम से बाहर आ जाए तो जालिमों की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। जुल्म की बहुत सी किस्में होती हैं फरजंद। नियाम तलवार को जुल्म करने से बचाती है। दौलत का जुल्म सिर्फ दौलत ही से रोका जा सकता है। किसी इंसान की महारत उसके इर्द गिर्द शैतान की नकलो हरकत से जांची जा सकती है। सरदारी एक भारी बोझ है। इसी आजमाइश के तहत हजरत यूसुफ को कुएं में और हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया। अगर वो कुएं में न फेंके जाते तो यूसुफ न बनते। अगर इंसान पर बोझ न पड़े तो उसकी इंसानियत साइल हो जाए। बनी नौ इंसान के लिए इस दुनिया में मुख्तलिफ आजमाइशें हैं। इन आजमाइशों से गुजर कर कुछ हजरत यूसुफ जैसे बन जाते हैं,
और कुछ शैतान के पैरोकार। तुम्हारी आजमाइश भी होगी फरसंद, और तुम्हें साजिशों का भी सामना करना पड़ेगा। दुश्मन की चालों में फंसकर उसके पीछे कार फरमा नासिर को बेनकाब करना है। इसके बाद यकीन रखो कि जिस कुएं में तुम फेंके जाओगे वहां से बाहिफाजत निकल आओगे और इस सरजमीन के वारिस बन जाओगे। अल्लाह तुम्हारे जोरे बाजू को जिला बख्शे, तुम्हारे कल्ब को शुजात और जहन को आफियत अता फरमाए। आमीन। ऐ मेरे रब, हमारे खिलाफ बुने गए जालों को निस्तो नाबूद फरमा, और इस रास्ते में हमारे दुश्मन को मغلوب و ناکام فرما। اے میرے اللہ، ہماری شمشیروں کو ذوالفقار جیسی طاقت دے، اور ہمارے دلوں کو حضرت علی جیسی بہادری سے سرشار فرما۔ ہمارے اتحاد اور بھائی چارے میں درار ڈالنے والوں کے منصوبوں کو ناکام فرما۔ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی جانب رجوع کرتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ سے بہرہ مند فرما۔ اللہ वो दिन आ ही गया भाई। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन हम कुद्स की सरजमीन से खात्मा करेंगे मुसलमानों का। हैकले सुलेमानी के कायम होने का दिन एक अजीम दिन होगा। जब तक आप जैसे बहादुर मौजूद हैं वो दिन जल्द आएगा। हमारा दुश्मन अर्तुरुल कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाला है। यह भी हो सकता है कि हमारा दुश्मन हमारा दोस्त साबित हो और हम एक दूसरे के इत्तेहादी बन जाए। तो क्या आप उन्हें जगह देने के लिए राजी हो जाएंगे? अगर अच्छा मुनाफा मिलेगा तो क्यों राजी नहीं होऊंगा मैं। उराल तो गुस्से से पागल हो जाएगा। हो जाए, वो गुस्से से पागल होगा। और हम एक तीर चलाएंगे और शिकार तो होंगे। मारिया तुर्गुत को कभी अकेला नहीं छोड़ती, लगता है उसे मोहब्बत हो गई है। तुर्गुत को जख्मी हालत में यहाँ लाने वाली मारिया ही थी ना? हाँ, और फिलिप भी उसके साथ था। इसका मतलब है कि खंजर उन दोनों में से किसी एक को मिला होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मारिया बहुत मासूम औरत है, ये ख्याल उसे नहीं आ सकता। उसे क्या पता कि ये खंजर बतूहान का है। तुम मानो या ना मानो ये काम फ्लिप का है, क्योंकि फ्लिप ही उसके साथ था। सिमोन भी शामिल है उनके साथ, कोई शक नहीं इसमें। मैंने तुमसे एक चोर का इंतजाम करने को कहा था। इंतजाम क्या करना है, बस ये बता दो कि कीमती पत्थरों की थैली है इनके पास। बहुत खूब, मैं चलता हूँ अब।
मुझे इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। ईसा के सदके, मोहम्मद के सदके गरीब की कुछ मदद करते हैं। जब से सरदार ने डाल पर घोंसला बनाया है, कौवे पूरी तरह पागल हो चुके हैं। अल्लाह पे ईमान रखने वाले आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ईमान वालों की और जिहाद करने वालों की हिफाजत फरमाए। भाई यहाँ कहाँ जा रहे हैं? तुरगुत से मिलने पहले। हाँ भाई मिलेंगे लेकिन बेहतर होगा कि पहले हम तिजारती मुलाकात कर लें। भाई मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है, लेकिन पता नहीं आपकी ये मुलाकात कैसी रहे। भाई अर्तुरुल साहब खुशामदीद, वहां सिमोन आपके मुंतजिर है। चलो वहीं चलते हैं। तुम्हारे पैर में क्या हुआ फिलिप? ऐसे क्यों चल रहे हो तुम? एक पागल बूढ़े को उसकी औकात याद दिला रहा था मैं। यानी औकात याद दिला दी उसे? किसी इंसान की महारत उसके इर्द गिर्द शैतान की नकल व हरकत से जांची जा सकती है। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल हूं। पूरी दुनिया ये बात जान ले अच्छी तरह। मेरे हलाल रिस्क पर नजर रखेगा जो भी, सजा से नहीं बचेगा। ले जाओ इसको। सिमोन, मालिक बेखबर खड़ा है और लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं। तुम इतने बेखबर हो? कभी कभी तीर वहीं से आता है जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो। आप भी तो वो कालीन चोर लुटेरों से बचाने में नाकाम रहे। वैनेतिक ताजिर के कर्ज का बोझ है आप पर। हम यहां
पुरानी बातें भूलकर बुनियाद रखना चाहते हैं नई तिजारत की। लेकिन लगता है तुम माजी अब तक फरामोश नहीं कर पाए। अगर हम तमाम लोग यहां बैठकर बाहमी फैसला कर लें तो पुराने कर्ज भी अदा हो सकते हैं। पुरानी बातों का कोई फायदा नहीं अर्तुरुल भाई। सिमोन, अर्तुरुल साहब, आप जैसे रहम दिल आदमी की और आलिया साहब जैसे आलिम की इज्जत मजरूह नहीं करना चाहता मैं। आइए अर्तुरुल साहब, आप मेहमान खुसूसी हैं। सरदार जानदार और आपके बीच जो मामला तय हुए थे वो मैं सिमोन को बता चुका हूं अर्तुरुल भाई। आपकी क्या शर्त है सिमोन? सबसे पहले अभी होने वाले नाखुशगवार वाकये पर माजरा चाहता हूं मैं आपसे। जो कुछ हुआ उसे भूल जाए और इस अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आइंदा हमें ऐसे किसी वाकये का सामना ना करना पड़े। बेहतर है। मैं उन शराकतदारों को जमा करना चाहता था जो साथ मिलकर कारोबार करने की ख्वाहिश रखते हैं। सरदार जानदार और आपकी तरफ से किया गया मुतालबा मुझे बहुत माकूल लगा। अब जबकि दोनों शराकतदार राजी हैं तो फिर हमें बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। आज से मेरा भाई हमारी इस तिजारत की निगरानी करेगा। अब हम क्या करेंगे भाई? हम उन्हें उराल का असली चेहरा दिखाएंगे। वाह तुर्गुत सिपाही, अर्तुरुल सरदार के दिए हुए जख्म अब कैसे हैं? जख्म बढ़ चुके हैं लेकिन वो अब मेरे सरदार नहीं है, तुम्हारे शराकतदार हैं। अब तुम्हें अपने जख्मों की फिक्र करनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो एक भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक है जो अपने शिकार को किसी भी सूरत नहीं छोड़ता। जब भी शिकार पर गया खाली हाथ नहीं लौटा कभी, और जब वो अपने जंगजुओं के साथ निकला हर उस जगह शिकार बाकी नहीं बचा। जरा खुल के बात करो। मेरा मशवरा है कि बहुत मोहतात रहना होगा तुम्हें। उसे जानकर मेरी तरह तुम भी पछताओगे। मैं तुमसे इस बारे में तवील गुफ्तगू करना चाहूंगा ताकि तुम्हारे तजुर्बे से फायदा उठाया जा सके। क्यों नहीं, जब आप चाहें यहीं मिलूंगा मैं। कुस्तुन दुनिया पर हमला करने वाले पोप के गद्दारों के खिलाफ और शिमाल से आने वाले वहशियों के खिलाफ मैंने आलम में बगावत बुलंद किया था। मैंने अपनी औलाद, अपनी बीवी और बहुत से साथी कुर्बान किए हैं। जो कुछ मेरे पास बचा था उससे ये बाजार कायम किया मैंने अर्तुरुल साहब। मुझे अंदाजा है कि ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है जो मुखलिस हों और काबिल भरोसा भी हों।
मैंने अपने लोगों के साथ कई इलाकों का सफर किया है, बहुत सी जगहें देखी हैं और बहुत जुल्म भी देखा है। अपने दुश्मनों के सरों का किला बना सकता हूं। मैं ये सीख चुका हूं कि मुझे इस सरजमीन पर किसी पर भरोसा नहीं करना। इसलिए बाजार में मेरे जंगजू ख्वातीन की हिफाजत पर मामूर होंगे। मैं खुद पे ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहूंगा कभी। आप तुर्क लोग लड़ने से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि हम सोने के सिक्कों से। जंग आपको मुबारक, सोने के सिक्के हमें। वो दिन जरूर आएगा जब आप याद करेंगे इस वक्त को कि काश सिक्कों की जगह तलवार थाम ली होती। मुआहदा होने की खुशी मनानी चाहिए हमें, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। मारिया, खाना लगवाओ फौरन, लेकिन मशरूब ना रखना। हम अपने मुसलमान मेहमानों को नाराज नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है उराल साहब इस मुआहदे से काफी परेशान हो गए हैं। ऐसा नहीं है, उराल साहब एक माहिर ताजर है, समझदारी से काम लेंगे। देख रहा हूं कि सोने के सिक्के वापस करने के बजाय दावत उड़ाई जा रही है। वो सिक्के मुझ पर कर्ज है रिकार्डो। तुम मेरे सराय में मेरी मेज पर आकर मेरे मेहमानों से सवाल जवाब नहीं कर सकते रिकार्डो। अपना सोना चाहिए ना तुम्हें। फिलिप, इसका सोना दे दो इसे। अब तुम्हारा खाता बंद हो गया रिकार्डो। आपको अब मुझे देने होंगे वो सोने के सिक्के, जब कालीन गाह से मुनाफा आना शुरू हो जाए उस वक्त। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हम इंसाफ पर ही कायम रहें, क्योंकि अगर इंसाफ का दामन छोड़ दिया हमने तो आसमान टूट पड़ेगा हम पर। और तुर्गुत के बारे में क्या कहेंगे भाई? हार काबिले माफी है अर्तुक भाई, लेकिन गद्दारी की माफी नहीं है। काम ये है कि असलिहान खातून और हलीमा सुल्तान को अगवा किया जाए। असलिहान खातून चावदार कबीले के सरदार की बेटी है और हलीमा सुल्तान काई के सरदार अर्तुरुल की सौजा है। आप सुनो तुर्गुत,